अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज को इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ पैलोरमा के बारे में। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ पैलोरमा में मास्टर या बैचलर दोनों लेवल में अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई किस तरह करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट, आपने कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, मोबाइल का ब्राउजर है या आपके लैपटॉप का ब्राउजर है, वहां पे आपने लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ पैलोरमा एडमिशन 2024। जैसे ही आप डियर स्टूडेंट इसको लिख के इंटर दबाएंगे, यहाँ पे सर्च बार के ऑप्शन पे अपने लैपटॉप पे जैसे आप या इंटर की दबाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से वेबसाइट नीचे मिल जाएंगी, ठीक है जी। यहाँ पे अब आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट मिलेगी यूनिपार्टी, ये वाले देख लें जी। इनरोलमेंट प्रोसीजर फॉर एक्स्ट्रा यूरोपियन फॉरेन स्टूडेंट्स, इस पे आपने क्लिक करना है डियर स्टूडेंट, ठीक है जी। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, देख लीजिए यूनिवर्सिटी पैलोरमा की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ऑप्शन मिल गया। अब जो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे देखिए जी डियर स्टूडेंट, आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, मास्टर डिग्री कोर्स और बैचलर डिग्री कोर्स। अब जिस भी कोर्स में आपने अप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ डियर स्टूडेंट मास्टर डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई किया, आपने यहाँ पे क्लिक किया तो जैसे ही आप डियर स्टूडेंट इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे इसका कम्प्लीट जो शेड्यूल होगा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा इसकी लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है 30 जुलाई 2024। तो डियर स्टूडेंट अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद डियर स्टूडेंट आपने थोड़ा सा अगर नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे इसमें एप्लीकेशन का प्रोसीजर भी आपको मिल जाता है। अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है यूनिपास स्टूडेंट पोर्टल पे, ठीक है जी। उसके बाद आपने इसमें अप्लाई किस तरह करनी है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, आपने किस तरह यूनिपास स्टूडेंट पोर्टल पे स्टेप बाय स्टेप अपनी एप्लीकेशन सबमिशन करनी है डियर स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल भी करना है तो यहाँ पे मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट बताता चलूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो डियर स्टूडेंट इसमें आपको एक पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, फोटो की जरूरत पड़ेगी, उसके अलावा आपको बैचलर डिग्री की जरूरत पड़ेगी, उसी बैचलर डिग्री ट्रांसक्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी, फिर आपको सीवी की जरूरत पड़ेगी, फिर आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपका टेस्ट नहीं है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आईलेट्स की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। डियर स्टूडेंट अब यहाँ पे आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स देख लिए, अब आपने थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको डियर स्टूडेंट मिल जाता है रजिस्ट्रेशन ऑन द यूनिपास स्टूडेंट पोर्टल, ठीक है। अब आपने डियर स्टूडेंट सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे अंडरलाइन यूनिपास स्टूडेंट पोर्टल का ऑप्शन मिल गया, आपने सिंपली इस पे डियर स्टूडेंट क्लिक करना है। तो जैसे आप डियर स्टूडेंट उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है रजिस्ट्रेशन विद इटालियन कोड, दूसरा होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। आपने तमाम तरह स्टूडेंट तक जो पाकिस्तानी है, इंडियन मीन के ऑल ओवर द वर्ल्ड तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट जो इसमें अप्लाई करेंगे उन्होंने सिंपली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो डियर स्टूडेंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाता है। अब इसको फॉर्म को किस तरह फिलअप करेंगे डियर स्टूडेंट, तो आप ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। या पर्सनल डाटा जिसको आपने फिलअप करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसको मिसाल के तौर पर सर नेम है, सर नेम हम लास्ट नेम को कहते हैं, ये मोहम्मद परवेज हो गया, ये नेम है मोहम्मद आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने बतानी है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1/1/2000 मैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे 1/1/2000 मेंशन कर रहा है, यहाँ पे मैं मेल सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आके जाते हैं प्लेस ऑफ बर्थ, क्या आप अपनी प्लेस ऑफ बर्थ बताएं। अब मैं इसको कैसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको ग्रीन ऑप्शन मिल जाता है इस जगह पे, ठीक है जी, ये वाला इधर आपने इसी के अंदर आपने चेक मार्क करना है यहाँ पे। इसमें जैसे ही आप डियर स्टूडेंट इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है, कंट्री का ऑप्शन आ गया सिलेक्ट, आपने यहाँ पे अंदर क्लिक करना है, यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट करना है, डियर स्टूडेंट पाकिस्तान आ गया। एक बार आपने यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करना है, जैसे आप डियर स्टूडेंट्स सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कंट्री मेंशन आ गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका सिटी मेंशन है, तो डियर स्टूडेंट आपने सिटी यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मेरा मुजफ्फर कह रहा है तो मैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट मुजफ्फर का सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद सिंपली कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो जैसे डियर स्टूडेंट आप कन्फर्म पे क्लिक करते हैं तो आपको दिख रहा होगा आपको यहाँ पे इटालियन कोड ऑटोमेटिकली दे दिया गया है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करना चाहें, अगर आपकी या इसको राइट अप करना चाहें, आपने अपने व्हाट्सएप पे इसको कॉपी पेस्ट करके सेव कर देना फॉर फर्दर यूज, लेकिन यूज नहीं करना पड़ता, लेकिन मैं आपको ऐसे कह रहा हूँ। उसके बाद देखिए जी आपको डियर स्टूडेंट ये मिल गया, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना ई मेल लगाना है, यहाँ पे अपना ई मेल लगाएंगे डियर स्टूडेंट। उसके बाद आपने अगेन यहाँ कन्फर्म ई मेल पर लगाना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने डियर स्टूडेंट सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने कंटिन्यू पे करना है, जैसे ही डियर स्टूडेंट आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए डियर स्टूडेंट अब आपका स्टेप टू ओपन हो गया है। यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्टेप टू ओवर फोर, फोर स्टेप है इसमें साइन अप के, अब दूसरा स्टेप हमारा ओपन हो गया। अब डियर स्टूडेंट आपने इधर आपने क्या करना है, ठीक है जी, आपने इसको किस तरह ऐड करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट आपने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है,
यहाँ पे स्क्रोल करने के बाद यहाँ पे अपना अपने प्रोविंस सुबह बताना है, सिटी बताना है, पोस्टल कोड बताना है। किस तरह बताना है डियर स्टूडेंट, आपने फर्स्ट यहाँ पे सर्च सिटी पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप डियर स्टूडेंट सर्च सिटी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपना कंट्री मेंशन करना है पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद अगेन आपने सिलेक्ट पे क्लिक करना है डियर स्टूडेंट। उसके बाद आपने यहाँ पे आता है आपका सिटी का नेम मेंशन करना है। तो यहाँ पे आपने मेंशन किया सिटी नेम, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मुजफ्फरगढ़ है, वो सिलेक्ट किया, इंटर दबाया। उसके बाद आपने कंफर्म पे डियर स्टूडेंट क्लिक करना है। तो इसी तरह से डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखे जी, आपका फर्स्ट वन जो फॉर्म है यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, ये वाला देखे हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे अपना खुद ही यहाँ से टाइप करना है अपना एड्रेस, जो आपका एड्रेस होगा। एड्रेस आपने किस तरह टाइप करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल उसकी दी हुई है, यहाँ पे देखे जी ये एग्जाम्पल है। आपने यहाँ से, मैं फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ जी डियर स्टूडेंट्स लाहौर स्ट्रीट। अगर आपका स्ट्रीट का नंबर नहीं है तो आपने 00 लगा देना, ठीक है जी। आपने अपना मेन सिटी का नेम लिखना है, साथ स्ट्रीट लिख के 00 लिखना है, अगर इन केस आपका स्ट्रीट नंबर नहीं है, ठीक है जी स्टूडेंट। उसके बाद अगर आपके पास आ जाता है डियर स्टूडेंट यहाँ पे फोन नंबर, और फोन नंबर किस तरह ऐड करना है यहाँ पे उसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है। अब हम इसी एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे इसी को ऐड करते हैं अपने कॉन्टेक्ट नंबर को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इसको इधर से कॉपी करके मैंने इधर पेस्ट कर दिया। आपने डियर स्टूडेंट किस तरह करना है, यहाँ पे जैसे तमाम पाकिस्तान स्टूडेंट कंट्री कोड के साथ यहाँ पे मेंशन करेंगे +92, फिर ये जो स्पेस दी हुई है आपने ये स्पेस लगानी है, ये वाली स्पेस आपको दरमियान में नजर आएगी, स्पेस लगा के उसके बाद अपने कंप्लीट नंबर लगाना है फर्स्ट 0 रिमूव करके। आगे होगी तमाम स्टूडेंट्स को ये समझ, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट जो भी लगाएंगे फर्स्ट अपना कंट्री कोड लगाएंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर अपना रिमेनिंग कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये लगा दिया, उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है इटालियन एड्रेस, सेम उसी तरह से डियर स्टूडेंट आपने यहाँ पर सिलेक्ट सिटी पे क्लिक करना है। जैसे आप सिलेक्ट सिटी पे क्लिक करेंगे उसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपका कंट्री का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आपने कंट्री का मेंशन करना है, जैसे कि मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट हूँ, पाकिस्तान से क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाता है डियर स्टूडेंट सिटी का, आपने अगेन यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर लेना, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये मेंशन कर दिया। उसके बाद आपने डियर स्टूडेंट करना होता है क्या, कन्फर्म। तो जैसे आप डियर स्टूडेंट यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका सेकंड स्टेप से भी कम्प्लीट हो गया। अब अगेन यहाँ पे आपसे पास पूछ रहा है कि आप अपना एड्रेस बताएं, मैं वही उधर से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। इधर आपने कॉन्टेक्ट नंबर इसी फॉर्मेट में जो डियर स्टूडेंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपने कंट्री कोड लगाना है, उसके बाद स्पेस लगाने, फिर अपना जो ऑफिशियल नंबर होगा आपने वही कॉन्टेक्ट नंबर इधर पेस्ट करना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट आ जाता है जी पोस्टल एड्रेस। अब आपने डियर स्टूडेंट यहाँ पे बताना है पोस्टल एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल मेरा है लाहौर स्ट्रीट, डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैं लगा दूंगा लाहौर स्ट्रीट। उसके बाद यहाँ पे मैं रेजिडेंस सिलेक्ट कर दूंगा या डोमिसाइल सिलेक्ट कर दूंगा, दोनों आपकी मर्जी में है। उसके बाद यहाँ पे देखे जी डियर स्टूडेंट, अब आपके पास आता है अदर एड्रेस में मोबाइल फोन। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपको मोबाइल फोन नंबर जो पुट करना है ना, जो आपने पहले नंबर पे यहाँ पे ये स्पेस है, ये स्पेस दिख रही है आपको, अगर स्क्रीन पे दिख रही होगी कोड के बाद उसने स्पेस डाली है, लेकिन इधर आपने अपने कंट्री कोड के साथ पूरा का पूरा नंबर लिख देना है बगैर किसी स्पेस के, डियर स्टूडेंट ठीक है, आपको आगे होगी समझ। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, मैं यहाँ से देख रही +44 मेरा कंट्री कोड है। उसके बाद ये मेरा 333 12 45 456 ये मेरा नंबर है, तो मैं उधर इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूंगा, आगे समझ डियर स्टूडेंट। ये लगाने के बाद अगर आपका फैक्स नंबर है तो यहाँ पे लगाना है, अदरवाइज आपने फैक्स को स्किप कर देना, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये फॉर्म फिलअप हो गया, एक मरतबा आपने इसको रीड आउट कर लेना है, कोई मिस्टेक्स ना हो। इसको रीड आउट करने के बाद डियर स्टूडेंट आपने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक, तो देखिए जी स्टूडेंट अब हमारा स्टेप्स 3 आ गया है, वो फिलअप करने के बाद जैसे आपने कंटिन्यू पे क्लिक करा, ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 3 और 4। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपका समरी पर्सनल डाटा यहाँ पे ओपन हो चुका है, जिसको आपने तमाम चीजें ये रीड आउट करना है। ये देखिए जी ये तमाम डाटा आपको मिल रहा होगा, ठीक है जी। अब आपने डियर स्टूडेंट क्या करना है, सिंपली इसको रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है, जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका ये तमाम डाटा ठीक है, आपने अगेन यहाँ पे कंफर्म करना है डियर स्टूडेंट। तो मतलब इसको सारे को रीड आउट कर लेना, जो आपका ये सेकंड थर्ड स्टेप्स आपका ओपन हो जाएगा। रीड आउट करने के बाद डियर स्टूडेंट आपने कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो जैसे आप डियर स्टूडेंट यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखे जी आपके पास डियर स्टूडेंट आपको ऑप्शन मिलते हैं, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कम्प्लीटेड विद इन अ फ्यू आवर्स यू विल रिसीव एन ईमेल क्लिक ऑन द लिंक टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। अब डियर स्टूडेंट आपने अपना ईमेल ओपन करना है, वहां पे ईमेल पे आपको एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा, आपने उस लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। जैसे डियर स्टूडेंट आपने अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है तो यहाँ पे आपने क्लिक हियर टू आवर सर्विस पे क्लिक करना है।
अब देखें डियर स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, अपना ईमेल ओपन करना है। तो यहाँ पे आपको डियर स्टूडेंट स्क्रीन पे मैंने अपना जीमेल ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे देखें जी उनका ईमेल आ गया, यूनिवर्सिटी ऑफ पेलोरमा का। तो डियर स्टूडेंट आपने अपने जीमेल को यहाँ पे क्लिक करना है, अगर आपके लैपटॉप पे लॉगिन है तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपने क्या करना, सिंपली ये देखें जी, टू कंफर्म योर रजिस्ट्रेशन प्लीज क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक। तो डियर स्टूडेंट आपने इसी लिंक पे सिंपली क्लिक करना है। तो जैसे ही डियर स्टूडेंट आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका ऑप्शन मिल जाता है रिजल्ट अकाउंट एक्टिवेशन। तो डियर स्टूडेंट आपने कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप डियर स्टूडेंट इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसका जो अकाउंट होगा यहाँ से कंफर्म होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमारा अकाउंट कंफर्म हो चुका है। ये देखिए जी, ये वाला आपको स्क्रीन पर ये दिखा दे, तो अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड, इन ए फ्यू मिनट्स यू विल रिसीव फर्दर इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू एक्सेस टू द पोर्टल द यूनिवर्सिटी ऑफ पेलोरमा। नो प्लीज सेट योर पासवर्ड बाय फॉलोइंग द लिंक अबव। ठीक है जी, सेट योर पासवर्ड, यहाँ पे आपको ऑप्शन का मिल जाता है कि आप अपना यहाँ पे इस पे क्लिक करके अपना पासवर्ड सेट करें। यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पर इधर क्लिक करें तो सिंपली सिंपली इधर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे ये फारगेट पे क्लिक करते हैं तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपने फारगेट नहीं करना। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आपने जो उनका नेक्स्ट ईमेल आया आपने उसी को ईमेल को ओपन करना है। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट अब उनका जो सेकंड ईमेल आया तो यहाँ पे वो मैं अभी आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये देखें जी ये वाला। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये वाला उनका ईमेल लिंक है, आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है। डियर स्टूडेंट जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने राइट क्लिक करके, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट टू इंग्लिश। ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसे आप ट्रांसलेट टू इंग्लिश करते हैं तो यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट हो गया। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा यूनिपा अकाउंट वेरी आइडेंटिफाइड बाय यूजर नेम मोहम्मद परवेज, मोहम्मद डॉट परवेज, ये मेरा यूजर नेम आ गया। उसके बाद कहता है कि डियर स्टूडेंट अगर आप अपना पासवर्ड सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है, ये वाला क्लिक हेयर पे। अब डियर स्टूडेंट आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है, इधर यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है जी डियर स्टूडेंट, अब उस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें जी डियर स्टूडेंट आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे न्यू पासवर्ड का, ये आपने अपनी मर्जी का न्यू पासवर्ड लगाना है। किस तरह लगाना है तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपने इनकी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, आपने मिनिमम 8 से 20 करेक्टर इस्तेमाल करने हैं। ठीक है जी, आप ये करेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें एट द रेट हो गया, हैश हो गया, ठीक है जी, डॉलर साइन हो गया, एंड द एंड वाला साइन हो गया, उसके अलावा परसेंटेज साइन हो गया। इसमें से ये साइन आपने इस्तेमाल करके अपने कम्प्लेक्स पासवर्ड लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ डियर स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट इसको रिमूव करके यहाँ पे मैं लगाता हूँ जी फर्स्ट कैपिटल वर्ड, बाकी मैंने स्मॉल लगा दिए, फिर एट द रेट डॉट, फिर दो मैंने थ्री न्यूमेरिकल वर्ड इस्तेमाल करके कन्फर्म करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये मैंने पासवर्ड लगा के ये इसको मैं रिकन्फर्म कर देता हूँ रेस्टोरेंट इसको पासवर्ड को। आपने सेम इसी तरह से जो उनकी पासवर्ड सेट गाइडलाइंस है उसी तरह से आपने क्लिक करके यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक करना है, ये हो गया। अब आपने सिंपली रेस्टोरेंट सेव पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे देखिए जी आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे पासवर्ड हो गया। तो रेस्टोरेंट ने कहा कि फॉर्मेट ऑफ द न्यू पासवर्ड इज इनवैलिड, जो जो न्यू पासवर्ड मैंने लगाया था उसका पासवर्ड, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लैंग्वेज चेक कर लेता हूँ स्माल में, और ये 8 करेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे मैं अगेन इसका पासवर्ड लगा देता हूँ जी एम, ये पासवर्ड लगा दिया। ठीक है जी, यहाँ पे कम्प्लेक्स आपने पासवर्ड बनाना है। ठीक है जी डियर स्टूडेंट, उसके बाद आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल वर्ड इस्तेमाल करने, एडवांस्ड कैपिटल लेटर और एक डिजिट आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब 1 2 3 4 ये मैंने पासवर्ड लगा दिया, उसके बाद मैंने अगेन उसी पासवर्ड को कन्फर्म करना है। ठीक है जी डियर स्टूडेंट, अगर आपका नहीं लगता तो आपने ट्राई कर लेनी है बार बार, इसका कोई मसला नहीं होता कि अगर आपका एक मतलब पासवर्ड रिसेट नहीं हुआ था, उसके बाद इस पे क्लिक करके आपने सेव पे क्लिक करना है। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट हमारा पासवर्ड जो है ना सेट सक्सेसफुली हो गया। ठीक है जी, ये देखें जी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपको ऑप्शन मिल जाता है जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होता है सेव और नेवर का। अगर आप डियर स्टूडेंट आप चाहते हैं कभी भी इस यूनिवर्सिटी पे दोबारा आपको लॉग इन करना पड़े तो आपको अगर पासवर्ड भूल भी जाए तो आपने इसी को यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। जब भी आप लॉग इन करेंगे आपको कोई पासवर्ड पुट करना नहीं पड़ेगा, सिंपली लॉग इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट लॉग इन हो जाएगा। अब आपने जरा स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे उसका जो कुछ मैसेज है वो भी यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे देखिए जी आपने इसको रीड आउट कर लेना है, ये देखिए जी ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर आप इसको न्यू स्टूडेंट कैन रजिस्टर्ड, ये मैंने हमने ऑलरेडी किया हुआ, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैन मैनेज देयर क्रेडेंशियल वी, ये भी हमने, अगर आपको पासवर्ड भूल जाता है या कुछ भी हो जाता है तो आप यहाँ पे इसको भी रीसेट कर सकते हैं इसी स्क्रीन से। डियर स्टूडेंट आपने लॉगिन किस तरह करना है, अब अपने ईमेल ओपन करना है। लॉगिन किस तरह, आपको यहाँ पे आपको स्क्रीन पे अगेन आपने अपना ईमेल ओपन कर लेना है, ये आपका ईमेल है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपने इस ईमेल को, न्यू जो आपको ईमेल है आपने उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है।
तो जैसे आप डियर स्टूडेंट आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाता है स्टूडेंट पोर्टल का, जिसको आपने लॉग इन करना है अपना अकाउंट। अब यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ डियर स्टूडेंट, यहाँ से कंट्रोल सी कर दिया मैंने, कंट्रोल सी कर दिया। आप सिंपली इस पे डायरेक्ट क्लिक करना चाहे तो आप डायरेक्टली भी क्लिक करके अपना लॉग इन पोर्टल ओपन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इधर से मैंने कॉपी किया, इधर से मैंने आके पेस्ट कर दिया, ठीक है डियर स्टूडेंट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखे जी आपके पास दो तीन ऑप्शन मिल जाते हैं डियर स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास यहाँ पे मिल जाता है क्लिक हेयर टू एक्सेस योर रिजर्व्ड एआर एरिया, सॉरी। तो डियर स्टूडेंट आपने इस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप डियर स्टूडेंट इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको लॉग इन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे देखिए जैसे कि ऑलरेडी मैंने यूजर नेम और पासवर्ड लॉग इन किया हुआ है। सिंपली आप डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है, लॉग इन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप डियर स्टूडेंट लॉग इन पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे अकाउंट लॉग इन हो जाता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे लॉग इन हो चुका है। अब डियर स्टूडेंट आपको क्या करना होता है, यहाँ पे प्रैक्टिस पे आ जाना होता है। यहाँ प्रैक्टिस पे आपने माई प्रैक्टिस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप माई प्रैक्टिस पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट जैसे आप उसको लॉग इन करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन नजर आएगी। अब आपने आना है माई प्रैक्टिस पे, ठीक है जी। तो जैसे आप माई प्रैक्टिस पे क्लिक करेंगे आपने नीचे करना है न्यू प्रैक्टिस पे क्लिक, क्योंकि हमारी कोई भी ऑलरेडी कोई प्रैक्टिस सबमिट नहीं हुई पड़ी। तो जैसे आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपने एंड पे आ जाना है, आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रोल कर लेना है। जैसे आप नीचे स्क्रोल करेंगे तो आपने क्लिक करना है व्यू प्रैक्टिस लिस्ट पे। तो जैसे आप डियर स्टूडेंट उस व्यू प्रैक्टिस लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपने अगेन नीचे स्क्रोल कर लेना है, एंड पे आ जाना है। तो जैसे आप एंड पे आएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा एमएससी एडमिशन रिक्वेस्ट फॉर्म फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उसके सामने लिखा हुआ है प्लस का मार्क, आपने उस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही डियर स्टूडेंट आपने उस पर क्लिक करना है, किस पे, एमएससी एडमिशन रिक्वेस्ट फॉर्म पे, तो आपके पास कुछ इस तरह से फिर ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए सिलेक्ट डिग्री कोर्सेज, आपने जिस प्रोग्राम में भी अप्लाई करनी है, यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी लिखा हुआ मिल जाएगा और इटली में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं फिजिक्स, मतलब कि कोई भी आपने किसी भी प्रोग्राम में आप बैचलर में अप्लाई करना चाहें तो बैचलर सेलेक्ट करेंगे, एमएससी के लिए अप्लाई करना चाहें तो एमएस एमफिल के लिए वो प्रोग्राम आपने यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग होगी। तो जिस भी प्रोग्राम में आपने अप्लाई करनी है वो सिलेक्शन करने के बाद आपने नीचे आ जाना, आपने अटैचमेंट टाइप पे आ जाना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स आप आपको पीडीएफ फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं वहाँ पे वो आपको फाइल्स मिल जाती हैं। आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप पासपोर्ट अटैच करें चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने अपना फॉर एग्जाम्पल कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मैं मैंशन करके अपलोड कर देता हूँ। उसको अपलोड करने के बाद आपने क्या करना है, अटैच पे डियर स्टूडेंट क्लिक करना है। तो जैसे ही आप डियर स्टूडेंट अटैच पे क्लिक करेंगे, अटैच पे क्लिक करने के बाद आपका जो ये क्या कहते हैं पासपोर्ट होगा वो यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि अभी हमारा जैसे कि हम अटैच पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो पासपोर्ट है वो हमारा अपलोड हो रहा है। तो जैसे ही आप देखिए अपलोड होता है तो यहाँ पे देखिए जी आपको नीचे दिख रहा होगा स्क्रीन पर वैलिड पासपोर्ट 1.12 MB, ये देखिए जी हमारा पासपोर्ट अब अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए जी अगर उस पर क्लिक करते हैं मज़ीद जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी आप यहाँ पे अपने कम्प्लीटली डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, मेंशन हो गए जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अटैच करने हैं, सीवी हो गया, डिग्री हो गया, ट्रांसक्रिप्ट होगी, अपनी पासपोर्ट पिक्चर होगी, अगर आपकी एडिशनल डिग्री होगी, ठीक है जी, वो जो ऑप्शनल है अगर आप इसमें अपलोड करना चाहें तो वो अपलोड कर देंगे, अदरवाइज इसको आप स्किप करके, ठीक है जी। ये तमाम तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होगी, ये तमाम तो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। उसको अपलोड करने के बाद ये तमाम तर चीज़ें आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन होगी यहाँ से सबमिट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रैक्टिस रिव्यू पे आ जाना है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरी एप्लीकेशन व्यू पे हो गई है। तो इसी तरह से आप अपनी एप्लीकेशन व्यू भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी तरह से आप अपनी